श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं कल के दिन मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। और देखिए, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बात किया था, आज हम लाइव भी थे मार्केट में, बिल्कुल लाइव मैंने आज के दिन आपके साथ समय बिताया। आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट के अंदर बताइए। और देखिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो जो मैंने आपको टारगेट बताए थे, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। अब ये चीज़ें कैसे आती हैं समझ में, मैं आपको थोड़ा वो समझाना चाहूँगा। पहले उसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये चीज़ें होती कैसे है, मतलब ये दिखाई कैसे देती हैं, हमको कैसे समझ में आता है कि कहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है या कहाँ से मार्केट आपका मूव दे सकता है, और जो मूव दे सकता है तो कितना मूव दे सकता है, वो कैसे पता चलता है। ठीक है, आज भी अगर आप लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन थे तो मैंने आपको बोला था, एक हमारे व्यक्ति थे, हमारे सब्सक्राइबर थे, उनने पूछा था कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैंने उस जगह बोला था कि आपका 54,200 आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है, इतना देखिए आपको आज के दिन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज का अगर आप हाई देखो ना, तो देखिए पहला अटैम्प इसने इतना मारा, फिर नीचे की साइड आया, फिर से टॉप, देखिए फिर से टॉप लगाया उतना ही, फिर से नीचे आया, फिर से उतना टॉप लगाया। ठीक है, यानी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे ही आपके रुका। दूसरी बात, जब ये आपका ओपन हुआ था 9:15 पे, तो 9:15 पे क्या हुआ, 9:15 पे ओपन होने के बाद हुआ तो देखिए अच्छी खासी तेज़ी के साथ था, लेकिन ओपन होने के बाद ही देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हमको देखने वाला, जो कि सेलिंग का कैंडल था। उसके बाद कुछ एसएल खा के ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यानी रोल ओवर जो हमारा देखिए इस जगह ये वाला जो पॉइंट था ये। ठीक है, लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला भी था कि 53,950 अगर ये इसके ऊपर ट्रेड होना चालू कर देता है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टी टाइम, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखो बिल्कुल उसी प्राइस पे आए, यहाँ पे भी देखिए एक डब्लू पैटर्न बनाया था लेकिन जो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर सेलिंग आ गई। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ भी बोला था कि यहाँ पे सेलिंग मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट करने से मैंने आपको बार बार रोका कि शॉर्ट मत कीजिए, बाइंग का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट पैसा देगा लेकिन हमको वेट करना है, हमको थोड़ा समझना है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ अगर आप करोगे तो फिर पैसा नहीं बन पाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे इसने कंसोलिडेट करके इस वाले लेवल को निकाला, जो कि था आपका देखिए 54,000 के लेवल को, जैसे इसने ऊपर की साइड निकाला वहाँ से देखिए एक बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली। ठीक है, और अभी जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है, इस क्लोजिंग में देखिए एक चीज़ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले, और एक चीज़ मुझे थोड़ा दिक्कत भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जब हमने इसमें 54,200 का हाई देखा, लेकिन हाई देखने के बाद हम क्लोजिंग कहाँ पे देते हैं, 54,076 पे। तो यहाँ पे यही चीज़ ने थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा कि हमने इतना हाई देख लिया था लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे आकर हम इसमें क्लोजिंग कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जब इसमें टॉप देख लिया तो करेक्शन नहीं आना चाहिए था, और वो भी करेक्शन उस समय हमको देखने वाला जब आपके FIS ने 1,400 ये आपका 14,000 करोड़ का देखिए यहाँ पे माल खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि बाजार बुलिश में है लेकिन साइडवेज के साइड। ठीक है, अब समझते हैं कि देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, इसको मैं आपको जो ड्रॉ किया है उसको मैं हटा देता हूँ। देखिए चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट पहली नज़र में ही देख के समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए आज मार्केट थी इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा था बाजार। पहला रीज़न ये था कि जब मैंने आपको बताया FIS ने बाइंग किया, लेकिन उसके साथ साथ देखिए इसके अंदर हेजिंग भी हुआ है, यानी जब बड़ी पोजीशन बनी है तो इसके अंदर हेजिंग होके भी गया है। तो अब हमको देखिए नए तरीके से कैसे काम करना है। तो पहले तो आप ये समझे कि अब इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमारा देखिए 54,200। ठीक है, अगर ये 54,200 के ऊपर निकालता है या इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम इसके अंदर क्या करके चल सकते हैं,
इसके अंदर बाइंग चार्ट के हम पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि आप समझो कि यहाँ पे आपके बायर प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। अब ये जो बायर है ना, इनके प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। अगर इनके प्रॉफिट कम होते हैं या थोड़ा बहुत जो नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर हमको बाइंग चार्ट जाना है तो इस प्राइस के ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको रेजिस्टेंट बोलिए या आप इसके टारगेट बोलिए, जो कि आपका 54,300, फिर आपका 54,400, फिर आपका 54,500 और फिर आपका 54,600, फिर 54,700 तक हम इसमें अपसाइड मोमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये गैप के साथ ओपन होगा, ठीक है, वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके बायर अच्छे खासे प्रॉफिट में, जे भी अगर आपका नीचे गया, लेकिन इन बायरों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इसी जगह से लौट गया, ठीक है। ये पूरा देखिए यहाँ से इसी जगह से लौट आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि अगर ये अब की बार थोड़ा सा गैप डाउन ओपन कर देता है या गैप डाउन की कंडीशन में नीचे की साइड आता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको देखिए लगा के दिखाना चाहूँगा, देखिए ये हमारा ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट वाला जो प्राइस था वो इस जगह 53,348, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट आपका 53,350 का देखिए हमारा ब्रेकआउट हुआ था। वहाँ से अगर हम बात करें तो एक अच्छा देखिए पॉजिटिव साइन हमको देखने को मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट ये ही वाला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर करेंट प्राइस से बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नीचे है, ठीक है। इसलिए हम इसमें क्या करके चल सकते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत देखिए गैप डाउन ओपन होता है, या अगर मैं ये बात करूँ अपने इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि आपका 54,000 के लेवल को, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो हमको एक सेलिंग करने का देखिए यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। कभी भी आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, मार्केट इस फॉर्म में कभी भी ऊपर नहीं जाता है कि एक ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद फिर, ऐसा कभी नहीं चलता। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है कि एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक हाथ फिर रेड कैंडल बना देगा, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। यानी उसका पैटर्न है ना, ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि जो लोगों को समझ में ना आए। अगर आसानी से समझ में आने चालू हो जाएगा तो फिर पैसा सबका बनेगा। तो बस वही चीज़ है कि सबको समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो हमेशा चलता ही देखो ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए अगर जो आपका 54,000 के नीचे अगर ये जाता है तो हमको सेलिंग करने का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर ये नीचे की साइड जाता है या थोड़ा गैप डाउन भी ओपन करता है, गैप डाउन ओपन करने के बाद कुछ बड़ी कैंडल बना देता है, बड़ी कैंडल के बाद देखिए 9:15 पे जो सेटअप मिलेगा ना, 9:15 की जो कैंडल होगी, 9:15 की जो कैंडल होगी, उस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सेलिंग करके चल सकते हैं और उसके हाई का ऐसा लगा कर, ठीक है, जिसमें फिर हमारा देखिए टारगेट होगा सेलिंग का 53,900, 53,800, 53,700, 53,600, ठीक है। अभी आप थोड़ा रुकिए और बताता, 53,500, फिर आपका 53,400, यानी इतना हम नीचे जा सकते हैं। बल्कि इसमें अगर मैं और ऐड करूँ तो 53,300 तक भी हम देख सकते हैं। अब जो आपका 53,400 और 53,300 है, ये आपका सपोर्ट वाली रेंज है, ठीक है। सेलिंग हमने समझ लिया, अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। अगर देखिए हल्का फुल्का इसमें सेलिंग आ जाता है तो ये वाला हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 53,300, ठीक है। अगर ऊपर हम और कितना इसमें देख सकते हैं, तो ऊपर देखिए अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है कि
54,800 तक आराम से बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब सेलिंग वाला जो लेवल रहेगा ना ऊपर की साइड, वो 53,800, लेकिन नीचे जो सपोर्ट है वो आपका 53,300, ठीक है। अब इसमें देखिए, आज का जो रेजिस्टेंस था वो आपका 54,200, इसके ऊपर निकालेगा तो यहाँ तक जाएगा। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए देखिए, नीचे जो वाला लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो नीचे तक जाता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा मार्केट है, देखो यहाँ पे आप समझो जो आपकी रेंज है, इस रेंज को अगर जो ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस रेंज को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मिलता है तो ये हमारा बाइंग जोन होगा, यहाँ पे अगर मिलता है तो ये हमारा सेलिंग जोन होगा। सिंपल सा मार्केट है, कोई ज़्यादा देखिए इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हो इस मार्केट में। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसको सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।